मैं अभी बात कर रहा हूँ डॉक्टर एस के मित्तल जी से, जो कि नेशनल कॉन्वेनर भारतीय जनता पार्टी को डेवलपमेंट सेल के। आप आए हैं कर्नाटका से। डॉक्टर साहब, आप अपने अपना छोटा सा परिचय दीजिए। भाइयों को हिमालयनी चैनल के माध्यम से नमस्कार करते हुए, बाबा पशुपतिनाथ को दंडवत करते हुए, मैं भारत से आप सभी लोगों के लिए खुशहाली का, अमन का पैगाम लेकर के आया हूँ। साथियों, डॉक्टर श्री कृष्ण मित्तल मेरा नाम है और समाज सेवा के अंदर में, विभिन्न आयामों के अंदर में मुझे सेवा देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। विशेषतः प्राणी दया गोरक्षा के अंदर में हमारे प्रयास से देश में काफ़ी हमें सफलताएं मिली हैं और जो निरंतर प्राणियों का ट्रांसपोर्टेशन होता था, अवैधानिक कुर्बानी दी जाती थी, उसका भारत वर्ष के अंदर में बड़ा फर्क पड़ा है। भारत सरकार का एक 1960 से भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड एक संस्था है, एकमात्र संस्था है जो कानून का पालन करवाने के लिए चलती है। उसका मेरे को दायित्व है, जिसके अंदर में इलीगल ट्रांसपोर्टेशन, स्लॉटर एंड इलीगल सेक्रीफाइस को रोकने का दायित्व मेरे को दिया गया है। तमिलनाडु में एक जलीकट्टू उत्सव होता है, उसको हमने दोबारा से प्रारंभ करवाया है। हमारा काम है क्रूरता को रोकना। साथियों, बहुत कुछ है लेकिन एक छोटा परिचय है मेरा। और आप ये को डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं जी। हाँ, तो आपकी इस संस्था में एनिमल वेलफेयर में ये कौन कौन सा जीव जंतु को प्राथमिकता दी जाती है? जहाँ तक जीव जंतु का प्रश्न है, भगवान ने जो भी रचना की है उसको अंग्रेजी के अंदर में ह्यूमन और ह्यूमन में बांट दिया गया है। हम दो पैर वाले ह्यूमन हैं, उसके अलावा सारे चार पैर वाले पक्षी सब ह्यूमन कहलाते हैं। उसमें खाली ई जोड़ दीजिए तो वो जंतु बन जाता है। और अहिंसा का मतलब तो, क्रूरता को रोकने का मतलब तो हर प्राणी की तरफ है, चाहे वो वन्य प्राणी हो, चाहे वो पशु हमारे दुधारू प्राणी हो, चाहे हमारे खेती प्राणी हो, चाहे हमारे पक्षी हो, चाहे हमारे, क्योंकि ये सब जो है हमारी पर्यावरण के साधन है, हमारे पर्यावरण रोकने के साधन है। ये प्रभु ने इनकी रचना विशेष चीजों, आज सांप है, सांप की भी रचना एक विशेष चीज को लेकर की हुई है, इसीलिए भगवान शिव ने उसको गले में धारण किया है। साथियों, मैं आज इस पवित्र धरती पर हूँ जो हमारी सीता मैया की धरती है, जो बोध भगवान की धरती है, जो हमारे बाबा पशुपतिनाथ की धरती है, मुक्तिनाथ भगवान की धरती है। आज इस धरती के अंदर से हमारे को, मैं हिंदू हूँ, मेरे को एक ऐसी भावना है कि नेपाल की 3 करोड़ आबादी के अंदर में अधिकतम आबादी मेरे हिंदू भाई हैं। मैं जाति में विश्वास नहीं रखता हूँ, कोई मेरा कोई जो है, आज मेरे मुसलमान भी मेरे भाई हैं, ईसाई भी मेरे भाई हैं, लेकिन हमारी आहार विचार व्यवहार हम हिंदुओं के एक हैं। और आम तौर पर हमारे हर ग्रंथ में अहिंसा का भाव लिखा गया है। होता था पुराने जमाने के अंदर में जो है बलि, हो सकता होती होगी, लेकिन भारतवर्ष में आप देखिए कि हमने लगभग 95% बलि को रुकवा दिया और आज हम जो है सीताफल की, कुंबड़े की, नारियल की एक संकेतिक बलि देते हैं, उससे भी प्रभु प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि जितना पशुओं की बलि देते हैं वो खून सारा बह करके हमारे नदी नालों को गंदा करता है, उससे पर्यावरण का ह्रास होता है। हम जितना जो है पशुओं, ये हमारे अर्थव्यवस्था का जो आधार है, ये अर्थव्यवस्था के आधार को हम जो है, जिनको कि हमारे जो नेपाल के आज लगभग 6,000-7,000 गांव हैं, जिनका कि ये आर्थिक उत्थान कर सकते हैं ये हमारे प्राणी,
उनको हम जो है, अगर मैं खाली गड़ी माई की बात नहीं कर रहा हूँ, उस पर तो नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको कम करने के, उसको रोकने के कोई ना कोई आदेश दिए हैं जो मेरे संज्ञान में आए हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि कुछ व्यापारिक षड्यंत्र के अंदर में ये बलियां दी जा रही लगती हैं, क्योंकि उसका आखिरी में हड्डी मांस खाल वो सारा जाकर के बिकता है, अनऑथराइज लोगों के हाथ में जाता है। आइए हम सब मिलके बैठें और अपने पशुधन को बचाने के लिए प्रयास करें और अधिक से अधिक इनको अपने जीवन यापन के अंदर में यूज करें। साथियों, हमारा बैल, हमारा भैंस, हमारा भैंसा, हमारा गाय, ये हमारे गांव की बिजली पानी ईंधन गांव की खुशहाली देने को तैयार है। इसी के लिए मैंने भारत सरकार को भी अभी एक योजना दी है जिसको नंदी राष्ट्रीय ग्राम विकास योजना कहा गया है, जिसके अंदर में अगर किसी गांव के अंदर में 100 घर है, 150 घर हैं, 1000 लोग रहते हैं, 1000 एकड़ जमीन है, 500 प्राणी हैं, वो उस गांव का वो 500 प्राणी बिजली पानी ईंधन सब देने को तैयार हैं। एक बैल 8 हॉर्स पावर बराबर होता है, आपको बताना चाहता हूँ मैं। आइए हम इसको विचार करें जिससे कि नेपाल की समृद्धि बढ़े, नेपाल का उत्थान हो, यही भावना लेकर के मैं नेपाल में आया। अभी नेपाल में आप किस सिलसिले में और किस काम से आए हैं? देखिए, नेपाल में आने का मेरा उद्देश्य तो बड़ा ही अलग किस्म का है। हरि और हर, हरि यानी विष्णु और हरि यानी शिव, इन दोनों को जब एक करें तो हरिहर बनता है। बाबा पशुपतिनाथ यहाँ पर शिव का रूप बैठे हुए हैं। हमारे एक दिव्यानंद जी उड़ीसा के महंत हैं और बाबा जगन्नाथ के वहाँ पर, जैसे आप यहाँ बड़ा पंडा बोलते हैं वहाँ पर उसको मूल भट्ट बोलते हैं, उन दोनों का आग्रह हुआ कि हम यहाँ पर बाबा जगन्नाथ का मंदिर बना रहे हैं, उसके लिए आपको आना है। तो आज वो मूल भट्ट भी यहाँ पर आए हुए हैं और दिव्यानंद जी यहाँ पर आए, उनके साथ में 200-300 लोग भी उड़ीसा से आए हुए हैं। उस मेरे को उन्होंने ये सौभाग्य दिया कि मैं उसमें मुख्य अतिथि के रूप में उस संकल्प में आऊं, इसलिए मैं आया हूं। थोड़ा सा अलग आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बात की थी कुछ कानून की, एनिमल प्रोटेक्शन या एनिमल डेवलपमेंट, ये कौन कौन सी बाधाएं इसमें आती हैं और किस तरह का कानून को आपने प्रमोट किया है भारत के अंदर? बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि हमारी फौज, हमारे पुलिस, उसके अंदर में नेपाल के ही हमारे भाई आकर के उनका पालन करवाते हैं और मेरे से ज़्यादा जानते हैं। भारत के अंदर में संविधान ने प्राणियों को पूर्ण सुरक्षा दी है, इसको राज्यों का विषय बनाया है। हर राज्य ने, जैसे गो हत्या निषेध कानून बनाया गया है कि गो हत्या नहीं होगी, प्राणियों के लिए क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 से हमारे यहाँ चल रहा है। ऐसे मैंने इसमें, मैं आपको एक ऐप दूंगा, उसको आप डाउनलोड कीजिएगा, उसमें आपको भारत सरकार के या हमारे सभी सरकारों के सारे कानून आपके पास में आ जाएंगे। हमारे सुप्रीम कोर्टों ने क्या क्या आदेश दिए हैं, हाई कोर्टों ने क्या क्या आदेश दिए हैं। और आपने सवाल किया कि क्या क्या ऐसा गलत काम होता है, ये बड़ा विषय है। देखिए, क्रूरता का एक ऐसा प्रश्न है कि जब हम एक किसी ट्रक के अंदर में ट्रांसपोर्ट करते हैं और उसको अगर हम निर्धारित जगह नहीं देते हैं तो वो क्रूरता की श्रेणी में आ जाता है। 2 स्क्वायर मीटर जगह देना एक गाय या भैंस को अनिवार्य है, भारत में कानून है इसके लिए। घोड़े को 3 मीटर जगह देना अनिवार्य है, उसके लिए जो है हमारा सेक्शन 125C मोटर व्हीकल एक्ट का लागू है। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट के अंदर में हम लोग, यानी कोई फिल्म बन रही है, कोई सर्कस है, कोई जो है हमारे चिड़ियाघर हैं, उनको भी हम उसमें मॉनिटर करते हैं कि उनको कोई क्रूरता तो नहीं हो रही है। कुत्तों की भी मॉनिटरिंग करते हैं कि कोई कुत्तों के ऊपर में जो है अपराध तो नहीं कर रहा है। तो ये एक इतना गहन विषय है जिसके लिए मैं आपको एक किताब देना चाहूँगा जिसको कि आप रखें और जब भी इसके अंदर में जो है लगभग सभी कानून आपको हैं, मैं अपना
ऐप जिसका नाम है असली एनिमल सेफ्टी लॉज ऑफ इंडिया, वो भी आपको प्रसिद्ध करूंगा जो है, जिससे कि आपको कानून की जानकारी आए। और जो जो भी मेरे को नेपाली कानूनों की ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उनको अगर यहाँ पर इतने संगठन काम कर रहे हैं अहिंसा के अंदर में, प्राण रक्षा में, अभी मेरे साथ में कृष्णा प्रणामी वाले बैठे हुए थे, अग्रवाल समाज के, मारवाड़ी समाज के, जैन परिषद के, सभी लोग आगरे मिल रहे हैं और यहाँ के विषय बता रहे हैं। तो कानून जो है अगर नहीं है तो भी यहाँ के न्याय मंत्रालय को, यहाँ के पशुपालन मंत्रालय को, यहाँ के गृह मंत्रालय को, मैं कल प्रयास कर रहा हूँ यहाँ के गृह मंत्री से मिलने का, मैं यहाँ के पशुपालन मंत्री से, कानून मंत्री से, उद्योग मंत्री से मिलने का मेरा प्रयास रहेगा, क्योंकि मैं मंगलवार को दिन में वापस जाऊँगा। और उस बीच में मेरा प्रयास होगा कि हमें सभी संगठनों को एक करें, मिला करके बैठ के बात करें, और अधिक से अधिक यहाँ गौशालाओं का निर्माण हो, यहाँ पर जो है पशु प्राणियों की जो भी निर्ममता से हत्या होती है वो रुके। मेरी जानकारी में एक और विषय भी आया है, आपके चैनल के माध्यम से, आपके पत्रिका के माध्यम से मैं आगाह करना चाहता हूं कि नेपाल बॉर्डर भारत के साथ में बहुत लंबा बॉर्डर है, जो है हमारा हिमाचल पंजाब से चालू होता है, जम्मू काश्मीर चालू होता है और आगे आकर के बांग्लादेश तक चला जाता है। मुझे कल कुछ लोगों ने बताया कि हाँ कसाई खाने खुल गए हैं बॉर्डर्स में, हिंदुस्तान से माल आता है और उसमें वहां पर उन प्राणियों को वध करके यहाँ से उसको जो है निर्यात किया जाता है। सरकार को मैं आगाह करना चाहता हूँ कि उन बॉर्डरों को रोके, क्योंकि इससे कितनी ही बीमारियां जो हैं वो नेपाल के अंदर में प्रवेश कर रही हैं। जो बीमारी हमारे दो पैर वालों में होती है, हम चिकनगुनिया कहते हैं, हम एंथ्रेक्स कहते हैं, हम टीबी कहते हैं, वो सब बीमारी उन जानवरों में होती है। कोई भी प्राणियों को बिना मेडिकल चेकअप के नेपाल के अंदर में अगर घुसने दें तो नेपाल की जनता को कभी बहुत बड़ी महामारी का सामना करना पड़ सकता है। ये तो ज्यादातर भारत से भी आते हैं, वही तो कह रहा हूं मैं, वही तो अपनी चर्चा कर रहा हूं कि भारत का अररिया जिला, फारबिसगंज, यानी कितने मैं ऐसे नाम ले सकता हूं। देखिए, क्योंकि मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं और मेरे को जो है मैं इतना ही कह सकता हूं कि हमारे भारत के और नेपाल के अंदर में आज भी मेरे को आने में कोई, मेरा कोई यहां पर कोई वीजा थोड़ी लगा है, मेरे को आपने स्वतंत्रता दी आने की ऐसे ने। तो इसी तरीके से जो प्राणी आ रहे हैं वो मुझे बताया गया है कि भारत के एक कोने से एंटर होते हैं और वो चले जाते हैं बंगाल बांग्लादेश तक, क्योंकि यहां से उनको फ्री एक्सेस मिलता है। लेकिन अभी उन्होंने यहाँ पर कसाई खाने स्थापित कर लिए हैं, जहाँ पर कि उनको काट करके पर्यावरण तो यहाँ का दूषित होता है और मांस जो है यहाँ से बांग्लादेश जाता है या यहाँ से निर्यात होता है हिंदुस्तान के पोर्टों से, ये अभी मेरे संज्ञान में आया है। लेकिन उसका एक नतीजा ये भी है कि नेपाल सरकार को क्या उसका कोई रेवेन्यू मिल रहा है? क्या नेपाल सरकार का पर्यावरण उससे खराब नहीं हो रहा है? क्या नेपाल के नदी नाले क्या उसे प्रभावित नहीं हो रहे हैं? तो अगर ये हो रहा है तो मैं, अगर कल मेरे को मौका मिला तो मैं यहाँ के गृह मंत्री महोदय से भी इस विषय को बड़ा ही उठाऊंगा और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जैसे हिंदुस्तान ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया बनाया हुआ है, आइए आप भी यहाँ पर एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ नेपाल की रचना करें। और उसके अंदर में 3-tier सिस्टम होता है, आपके यहाँ पर भी 3-tier सिस्टम है, आपके यहाँ पर भी जो है नेशनल लेवल पर बोर्ड हो, स्टेट प्रोविंस लेवल के ऊपर में स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड हो और जिला लेवल के ऊपर में आपके 77 जिले 77 डिस्ट्रिक्ट उनके अंदर में SPCA हो, जो कि वहाँ पर इन सब प्राणियों का वध और कल्याण जो है वो दोनों कामों को देखे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हिमालनी में आप आए इसके लिए, और आपके द्वारा जो ये व्यक्त विचार है हम अपने मीडिया के थ्रू हम नेपाल में भी और भारत में भी पहुंचाने का बहुत धन्यवाद आपका, आपके माध्यम से दोबारा से नेपाल की धरती को, नेपाल की जनता को सादर प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं कि मेरे को बाबा पशुपतिनाथ के दर्शनों के सौभाग्य बार बार मिलेंगे।